हेलो फ्रेंड, मैं दीपक। हमारे यूट्यूब चैनल काराटो केयर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे पास टाटा की नेक्सॉन कार है और कस्टमर का कहना है कि चेक लाइट आ रही है और गाड़ी मिसिंग कर रही है। तो पहले हम गाड़ी को स्टार्ट करके चेक करते हैं। तो अभी हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई है दोस्तों, और देख रहे होंगे इसमें चेक लाइट आ रही है। और साथ ही दोस्तों, कस्टमर का कहना था कि चेक लाइट थोड़ी टाइम बाद व्हीलिंग करती है, तो वो भी चेक कर लेते हैं हम। देख रहे होंगे दोस्तों, चेक लाइट व्हीलिंग करने लगी थोड़ी टाइम बाद। और इसके बाद दोस्तों, हम देखने वाले हैं कि इंजन हमारा मिसिंग कर रहा है, हंटिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चलते हैं हम बोनट की ओर, वो भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि सारी चीज़ को चेक करने के बाद ही काम होगा तो अच्छा होगा। ये तो काफ़ी ज़्यादा मिसिंग कर रहा है दोस्तों, और इसकी आवाज़ में भी दोस्तों देख रहे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग आ गया है, बहुत ही चेंजिंग है इसकी आवाज़ में। तो दोस्तों, अभी हम पहले स्कैनर से चेक करने वाले हैं कि क्या कोड आता है, क्योंकि चेक लाइट आ रही है दोस्तों, तो पहले कोड को चेक करेंगे, उसी हिसाब से काम करेंगे। चलते हैं स्कैनर की ओर। तो दोस्तों, इसमें हम जाएंगे टाटा इंडिया पे जाएंगे दोस्तों, और उसके बाद नीचे ओके लिखा है तो वहाँ पर क्लिक करेंगे। व्हीकल सिलेक्शन पे जाएंगे, सबसे ऊपर व्हीकल सिलेक्शन, पैसेंजर व्हीकल्स। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे नेक्सॉन हम सेलेक्ट करेंगे। नेक्सॉन पेट्रोल है तो पेट्रोल पे जाएंगे। वी एस सिक्स। उसके बाद दोस्तों, आपकी गाड़ी कौन सी मॉडल की है, टॉप है कि सेकेंड टॉप, जो भी हो। यहाँ पे दोस्तों हमारी XZ+O है, तो हम XZ+O पे जाएंगे। उसके बाद सिस्टम सिलेक्शन, ECM पे जाएंगे दोस्तों। पहले हम कोड को चेक करते हैं, रीड फॉल्ट कोड करेंगे यहाँ से, P302F। इससे कोई दोस्तों दिक्कत नहीं है। उसके बाद दोस्तों नीचे है P0504, इससे भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और P0299, इससे भी दोस्तों कोई ख़ास फ़र्क नहीं होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों है P0300, इससे दोस्तों मिसिंग पे प्रभाव पड़ सकता है, मिसिंग कर सकती है इससे। और उसके बाद दोस्तों P0301, इससे भी दोस्तों गाड़ी मिसिंग कर सकती है। उसके बाद दोस्तों है P0363, इससे दोस्तों हो सकता है। तो अभी दोस्तों हम तीन कोड पे यहाँ काम करने वाले हैं, जो कि नीचे था P0300, P0301, P0363। इसी कोड पर दोस्तों हम काम करने वाले हैं। तो पहले हम चेक करते हैं, क्योंकि दोस्तों इन तीनों कोडों का मतलब हुआ कि दोस्तों या फिर इसका इंजेक्टर ना प्रॉपर काम कर रहा हो, और या तो इसकी पलक में बराबर सप्लाई ना जाती हो, तब भी ऐसा प्रॉब्लम होता है दोस्तों। तो हम पहले चलते हैं और चेक करते हैं कि कहाँ से फॉल्ट है। तो दोस्तों, पहले हम इसका जो है एयर फिल्टर हटाएंगे, और उसके बाद यहाँ से पहले हम पलक को चेक करेंगे, उसके बाद हम इंजेक्टर को चेक करेंगे। तो हटाओ भैया इसको, एयर फिल्टर असेंबली को। देख रहे होंगे दोस्तों, एयर फिल्टर हम हटा दिए हैं और स्टार्ट किए हैं गाड़ी को। काफ़ी ज़्यादा मिसिंग कर रही है, देख रहे होंगे पूरा इंजन वाइब्रेट कर रहा है। तो अभी हम पहले दोस्तों इसका जो प्लग है, इसका जो वायर होता है प्लग का, बारी बारी से हटाने वाले हैं। पहले एक नंबर काटाएंगे। तो देख रहे होंगे दोस्तों, हमने एक नंबर काटा दिया और फॉल्ट सामने ही मिल गया। ये एक नंबर इसका काम नहीं कर रहा है। तो ये दोस्तों तीन सिलेंडर की गाड़ी है, बस दो ही सिलेंडर पर चल रही थी, क्योंकि एक नंबर निकालने पर कोई असर नहीं हो रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। दो नंबर का निकालते हैं और दिखाते हैं। देख रहे होंगे दोस्तों, दो नंबर निकालने पर और भी इंजन वाइब्रेट होने लगा, मिसिंग करने लगा, क्योंकि अब एक ही सिलेंडर पर गाड़ी चल रही है। इसके बाद दोस्तों हम तीन नंबर निकालते हैं,
3 नंबर भी दोस्तों वही है, गाड़ी काफ़ी ज़्यादा मिसिंग कर रही है। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि गाड़ी हमारी एक पलक पर काम नहीं कर रही है, बाकी 2 पलक काम कर रहा है, तो इसीलिए गाड़ी मिसिंग कर रही है, क्योंकि 2 ही पलक पर चलेगी तो मिसिंग करेगी। तो फ्रेंड इसका जो प्लग का वायर होता है, इसमें हमने सप्लाई चेक किया मल्टीमीटर से, तो इसमें सप्लाई बराबर आ रही है। और इसका ये मतलब हुआ कि इसमें जो प्लग का ये कॉइल होता है, इग्निशन कॉइल, ये इसमें दोस्तों अंदर से शॉर्ट कर जाता है, तब भी प्रॉब्लम होता है। तो अभी हम इसको चेंज करने वाले हैं, और साथ ही इन तीनों का प्लग खोलने वाले हैं, प्लग भी चेक कर लेते हैं कि प्लग के में फॉल्ट है या कॉइल में फॉल्ट है। वैसे दोस्तों कॉइल इसकी अंदर से शॉर्ट कर जाती है, फिर भी दिक्कत करती है, लेकिन दोस्तों हम प्लग भी चेक कर लेते हैं। साफ दिखाओ भैया, साफ नहीं दिख रहा है, देख रहे होंगे दोस्तों इसका जो प्लग है यहाँ पे कितना कार्बन जमा है, 1 नंबर का प्लग है। तो हम प्लग भी चेंज करेंगे, और दोनों प्लग खोलो। तो देख रहे होंगे दोस्तों अभी हमारा 3 प्लग आ गया है बाहर, और 3 प्लग पर दोस्तों देख रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा कार्बन आ गया है। गाड़ी 70,000 चल चुकी है, लेकिन ऐसा लग ही नहीं रहा है कि प्लग इसका कभी चेंज हुआ है। तो प्लग और कॉइल दोनों हम चेंज करने वाले हैं, और दोनों हमने मंगवा भी लिया है। ये देखिए टाटा कंपनी का प्लग है, ओरिजिनल टाटा कंपनी का, और इसकी जो कॉइल है दोस्तों वो भी हमने टाटा की मंगवा रखी है। ये देखिए दोस्तों ओरिजिनल टाटा की है। देख रहे होंगे दोस्तों इसमें भी लिखा है लूकस टीवीएस, और पुराने वाले पे भी लिखा है लूकस टीवीएस। ये देखिए दोनों में लूकस टीवीएस लिखा है। तो अभी हम पहले प्लग को चेंज करेंगे, 3 प्लग नए डालने वाले हैं। ये रहा हमारा नया प्लग, टाटा का ओरिजिनल प्लग है। दोस्तों आप जब भी प्लग को लगाएं पूरा नीचे तक इसको छोड़ के आएं, क्योंकि जो इसका जो दोस्तों पॉइंट होता है, झटके से नीचे डालने पर दोस्तों पॉइंट चिपक जाता है। आराम से नीचे रखें। अभी हम प्लग को देख रहे होंगे दोस्तों 1 नंबर पे लगा दिए नया प्लग, क्योंकि 1 नंबर हमारा दोस्तों मिसिंग कर रहा था। तो देख रहे होंगे दोस्तों अभी हमने 3 प्लग को फिट कर दिया, और कॉइल भी हमने फिट कर दी। अब गाड़ी स्टार्ट करने वाले हैं, देखते हैं कि मिसिंग करती है कि नहीं करती है। अब देख रहे होंगे दोस्तों अभी इंजन एकदम मस्त चल रहा है, आवाज़ भी पहले से बहुत काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। और देख रहे होंगे अभी हम वायर निकालते हैं, देख रहे होंगे अब ये जाके काम किया। अब ये दोस्तों तब तक मिसिंग करेगा जब तक हम इसको दोबारा से बंद कर फिर स्टार्ट नहीं करेंगे गाड़ी को।
बंद करो गाड़ी को और स्टार्ट करो। देख रहे होंगे दोस्तों एकदम स्मूथली हो गया इंजन हमारा, वरना इसके पहले दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हंटिंग करता था। अब मस्त है दोस्तों हमारा इंजन ये। अभी हम एयर फिल्टर असम्बली को फिट करने वाले हैं, उसके बाद रनिंग करते हैं। तो देख रहे होंगे दोस्तों अब गाड़ी हम रनिंग कर रहे हैं और अब जाके एकदम मज़ा आया चलाने में। पहले तो दोस्तों ऐसा लगता था कि कोई पीछे से झटका दे रहा है गाड़ी को और ये ज़बरदस्ती चल रही हो, लेकिन अभी दोस्तों एकदम स्मूथली चली है, अब एकदम मज़ा आ रही है दोस्तों चलाने में। काफ़ी ज़्यादा गाड़ी फ्री हो गई है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।